एक बार नारद जी के मन में प्रश्न उठा, माया क्या है? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में नारद जी कई स्थानों में भटके। बहुत से संत महात्मा गुरु आचार्यों के पास जा जाकर प्रश्न किया, पर कोई भी उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। फिर उनके मन में विचार आया, कृष्ण जी के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे कहा, प्रभु कृपा करके मेरी मदद करें। माया क्या है ये प्रश्न मैंने सभी संतों और गुरुओं से पूछा, पर मुझे किसी के भी उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। मुझे पता है आप सामर्थ्य हैं, आप अवश्य मुझे संतुष्टि पाने वाला उत्तर देंगे। प्रभु ने कहा, हाँ नारद जी अवश्य मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पर हम चलकर थोड़ा भ्रमण तो कर लें। आज मेरा पृथ्वी लोक में भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, भ्रमण करते करते उत्तर दे दीजिएगा। प्रभु ने कहा, ठीक है नारद जी। यह कहकर प्रभु जी चलते रहे। नारद जी कहते रहे, प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दे। प्रभु बार बार कहते रहे, बस थोड़ी देर और चलकर चलते हैं, फिर मैं उत्तर देता हूँ। इस प्रकार सुबह से दोपहर हो गई। प्रभु चलते रहे पर नारद जी बहुत थक गए। नारद जी बोले, प्रभु बस अब और ना चला जाएगा। प्रभु मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है नारद जी, हम यहीं बैठकर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नारद जी बहुत खुश हुए। प्रभु ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आप मुझसे खेल रहे हैं, पर ठीक है आप खेल लीजिए, मैं आज आपसे अपने प्रश्न का उत्तर पाकर ही रहूँगा। ऐसा कहकर नारद जी पानी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलकर नारद जी को एक नगर दिखाई दिया। वहाँ कुछ स्त्रियाँ कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी ने सोचा, पहले स्वयं पानी पी ले, फिर प्रभु के लिए पानी किसी पात्र में ले जाएंगे। नारद जी ने स्त्रियों से विनती करी, कृपा मुझे पानी पिला दे। एक कन्या ने आगे बढ़कर नारद जी को पानी पिलाया। नारद जी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए और उस कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कन्या ने कहा, मेरे विवाह का अधिकार मैंने अपने पिता को दिया है, कृपा करके आप उनसे पूछें। नारद जी ने कहा, ठीक है। वह कन्या वहाँ के राजा की इकलौती संतान थी। राजा ने कहा, नारद जी मेरा अहोभाग्य आप मेरे जमाई बनेंगे, पर मेरी बेटी मेरी इकलौती संतान है और मेरा इतना बड़ा राज्य है, इसलिए आपको यहीं रहकर मेरा राज्य भी संभालना होगा। नारद जी ने कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह नारद जी से करवा दिया। नारद जी सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। थोड़े समय में ही नारद जी ने सारा राज्य भार संभाल लिया, किंतु वह एक ब्राह्मण थे, इसलिए नारद जी को राज्य भार संभालने की समझ नहीं थी, इसलिए राज्य कमजोर पड़ने लगा। एक बार युद्ध की स्थिति बन गई। नारद जी इस युद्ध की स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए। अभी उनकी संतानें भी अधिक बड़ी नहीं थी जो उनकी मदद कर सकती। स्थिति ऐसी बन गई कि नारद जी को अपनी पत्नी बच्चों के साथ राज्य छोड़कर भागना पड़ा। राज्य छोड़ने के कारण नारद जी को पत्नी बच्चों के साथ दर दर भटकना पड़ा। भूख और प्यास से बेहाल होने के कारण भिक्षा मांगने की नौबत आ गई, पर उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। नारद जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है नदी पार गांव के निवासी बहुत दयालु हैं, वहां हमें कुछ भोजन अवश्य मिल जाएगा। इस विचार के साथ वह अपने परिवार के साथ नदी पार करने के लिए नाव पर सवार हो गए। बीच रास्ते में पानी का बहाव तेज होने के कारण नारद जी की नाव नदी में पलट गई, जिसके कारण उनकी पत्नी बच्चे पानी में डूब गए, पर नारद जी बच गए।
किंतु इस इतने बड़े संसार में स्वयं को इस प्रकार पत्नी और बच्चों के बिना पाकर वह बहुत दुखी हुए। दुख की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि नारद जी रो रो कर भगवान को पुकारने लगे। भगवान कृष्ण ने नारद जी को कस कर हिलाते हुए पूछा, नारद जी क्या हुआ? नारद जी चौंक गए, प्रभु ये क्या, मैं तो अभी नदी किनारे बैठा विलाप कर रहा था और आप यहाँ, ये कैसे? प्रभु ने कहा, नारद जी यही माया है जो आप जानना चाहते थे और मैं यहाँ एक घंटे से प्यासा बैठा हूँ। नारद जी ने कहा, एक घंटा? पर प्रभु मैं तो अपना पूरा जीवन, इतने बरस अपना वैवाहिक जीवन बिता कर आया हूँ। प्रभु जी ने हंस कर कहा, नारद जी मैंने कहा ना यही माया है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया कि माया क्या है और यह भी समझ गया कि आपकी माया बहुत दुरुस्त है। जय श्री कृष्ण।